हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो होने वाला है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IBO 3 एग्जामिनेशन में। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बिना समय बर्बाद किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं कुछ चीजें कॉमर्स की पाठशाला के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जो कि आप M.Com और B.Com के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको कॉमर्स की पाठशाला सर्च करना है यूट्यूब में, और उसके बाद फिर हमारे चैनल पे चले आना है, जो कि है कॉमर्स की पाठशाला। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन सबसे पहले दबाना है, फिर बेल आइकन का बटन दबाना है, और इस तरह से आइकन आपका क्रिएट हो जाएगा, ऑल नोटिफिकेशन आपको ऑन करने हैं। फिर आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। ज्वाइन के बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लूसिव जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इग्नू M.Com देखो, यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम में आकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलने वाली है। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 फ्रॉम एवरीवेयर लाइक स्क्रैच। आपके कोर्स के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से, और आपको ढेर सारी बेनिफिट्स भी मिलेंगी। इसमें ऑन डिमांड आपको लेक्चर्स भी मिलेगा। अगर आपको ऑन डिमांड लेक्चर चाहिए किसी टॉपिक टॉपिक के ऊपर, अगर आपको लेक्चर बनवाने हैं तो मैं उसके ऊपर लेक्चर बना दूंगा, है ना। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिलेंगी। मोर अबाउट पर्क्स में आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से व्हाट्सएप वाले जो ग्रुप है, जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। लेकिन उसके लिए आपको पहले मेंबरशिप प्लान जो है उसे आपको ज्वाइन करना होगा, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है ना। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल प्रोसेस विद विच यू कैन ज्वाइन आवर एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोग्राम, राइट। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्लेलिस्ट के बारे में, कि आपको अगर हमारे वीडियोस को देखने में इशू हो रहा है, आपको अगर चीजों को अगर थॉरली अगर देखना है, चीजों को वन बाय वन देखना है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में ऑप्शन में आकर के, चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में आकर के इग्नू M.Com के ऊपर क्लिक करें। आप जैसे इग्नू M.Com के ऊपर क्लिक करेंगे, M.Com का जितना भी पेपर है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मिला करके, मतलब IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7, मतलब सेकंड ईयर, यहाँ पे सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही आसानी से 70% मार्क्स आप आराम से ला दोगे, ठीक है ना। इसके अलावा नोट्स तो हमारे तरफ से प्रोवाइड की ही जाती है, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट व्हेनेवर यू विल गेट टेक आवर मेंबरशिप प्लान, ठीक है ना। तो हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें जो है आजादी 1947 में मिली थी, राइट। लेकिन उसके बाद 1956 में आकर के एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है मेडअप होता है, तैयार होता है। लेकिन समय के साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि हर चीज में बदलाव होता है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी बदलाव हुए, और 1991 में आकर के एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो उसके उसके क्या इंपॉर्टेंस थे, उसमें क्या क्या चीजें बोली गई है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, मैं एक एक करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Even though India attained self-sufficiency in a wider range of consumer goods, the industry trial growth was not rapid enough to generate sufficient employment to reduce regional disparities and elevate poverty. है ना? देखो, जो इंडिया में जो है self-sufficiency बहुत ज्यादा थी, जब इंडिया आजाद हुआ ना, तो उस टाइम पे हमारे पास कंज्यूमर गुड्स जो हम बनाते थे वो बहुत सारी कैटेगरीज में बनाते थे, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत कम बनाते थे, बहुत ही ज्यादा कैटेगरीज में बनाते थे। लेकिन उसका जो रैपिड ग्रोथ होना चाहिए था वो ड्यू टू सम ऑफ द रीजन, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का रीजन हो सकता है, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल लेबर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से क्या हुआ ना कि हम लोग रैपिड ग्रोथ नहीं कर पाए, मतलब जिस तरीके से हमें ग्रोथ करना चाहिए था वैसा ग्रोथ हमारा हो नहीं पाया। और जब ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो हम इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे, और अगर इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो गरीबी कभी खत्म नहीं हो पाएगी। इंप्लॉयमेंट बहुत जरूरी है गरीबी को खत्म करने के लिए। अगर आप किसी को काम नहीं देंगे, उसके पास पैसे नहीं आएंगे, तो गरीबी खत्म नहीं हो सकती, है ना। तो इसके कारण से हमें गरीबी को खत्म करने में दिक्कत हुई। तो लैक ऑफ एडिक्वेट कॉम्पिटिशन रिजल्टिंग inadequate emphasis on the reduction of cost, upgradation of technology and improvement of quality standards, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो competition था हमारे पास वो भी बहुत ज्यादा नहीं था। competition कब होगा, जब आप foreign players को India में allow करेंगे, जब आप यहाँ के लोगों को allow करेंगे कि आप भाई innovative चीजें करो, है ना। तो वो चीजें चूंकि नहीं हो रही थी, उसके कारण से हम लोगों ने कभी भी cost reduction के ऊपर, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के ऊपर, या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के ऊपर हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमारा ध्यान सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर था कि किसी तरह से प्रोडक्शन हो जाए, बिक जाए, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा था, गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया होता तो हमारा जो प्रोडक्ट उसके प्राइसेस भी कम होते, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा अपग्रेडेड होती, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है हमारे प्रोडक्ट का वो भी बहुत अच्छा होता। आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका बहुत बार हमारे प्रोडक्ट्स को वापस इसलिए भेज देता है क्योंकि वो कहता है कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो हैजार्डस है, है ना, सही नहीं है, क्वालिटी उनका बेहतर नहीं है, ये सारे घटिया रीजंस वो लोग देते हैं।
हालांकि ये हर बार सच सच भी नहीं होता। समटाइम्स वो लोग टैक्टिक्स अपनाते हैं, उनका बीओपी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, हमारे से काफी नीचे है, मतलब उनका हमेशा डेफिसिट में रहता है, उसके कारण से भी वो लोग इस तरह की चीजें अपनाते हैं, ठीक है ना। इट इज रीओरियंट एंड एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू अचीव इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस दैट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वाज अनाउंस, है ना। तो इसी सब चीजों को रीओरियंट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को 1991 में आकर के एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो है निर्माण किया गया, उसको जो है तैयार किया गया और उसको लागू करवाया गया। Now, industrial policy of 1991 reviewed its emphasis on removal of poverty, attaining social and economic justice, the need for integrate and domestic economy with the international economy, and build a prosperous India. तो इसका objective क्या था? जो 1991 का जो जो काम था, जो industrial policy थी, उसका काम में जो main emphasis था, वो ये था कि हमें किसी तरीके से poverty को हटाना है, social justice और economic justice की बात करते थे वो लोग, ताकि इस चीज को हम ले पाए और जो country की जो economy है, उसको एक तरीके से मजबूत किया जा सके, ताकि international जो economy है उसके बराबर बनाया जा सके या उसके साथ कंपीट किया जा सके और एक प्रॉस्परस इंडिया बनाया जा सके, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। दिस पॉलिसी एम्ड एट सेल्फ रिलायंस बट ग्रेटर स्ट्रेस ऑन द एबिलिटी टू पे द बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। अब ये सेल्फ रिलायंस को ध्यान में रखकर के बनाया गया था, बट यहाँ पे हम लोगों का ज्यादा जो स्ट्रेस था वो था कि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को एक तरीके से क्या बोले उसको हटाएं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब आप गुड्स के ऊपर ट्रेड करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, जब आप गुड्स के ऊपर, सिर्फ गुड्स के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपका सरप्लस या फिर डेफिसिट होता है। तो हमारा सिर्फ उस चीज पे था कि हम जो है, जो भी हमारा स्ट्रेस है वो उसके ऊपर ज्यादा था, ताकि हम लोग चीजों को ज्यादा ज्यादा हमारा डेफिसिट ना हो, ठीक है ना, हमारा ज्यादा लॉसेज ना हो। It has recognized the need of development of indigenous technology and manufacturing capabilities to world standards, है ना? तो उस टाइम पे लोगों को समझ में आया, भाई नेताओं को समझ में आया कि हमारे पास जो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिसके जरिए हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा सकें और जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट होते हैं उसको तैयार कर सकें, ठीक है ना। इट ऑल्सो असाइंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ SSI थ्रू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड इफिशियंसी इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें की गई, SSI के थ्रू जो है प्रमोशन करने की बात की गई एंड चीजों को अपग्रेड करने की बात की गई, टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की बात की गई, है ना। तो 1991 की जो पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, मैं एक-एक करके बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो बुलेट पॉइंट है वो ये है, टू बिल्ड ऑन द गेन्स ऑलरेडी मेड। तो हमने ऑलरेडी जो गेन्स बनाए थे, जो हमारे गेन्स थे, उसके ऊपर हम लोगों को और बेहतर काम करना था, ताकि हमारा जो गेन है वो और भी ज्यादा हो और हमें बेनिफिट जो है बहुत ही ज्यादा मिल सके, है ना। तो ये उनका मेन गोल था। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा था टू मेंटेन अ सस्टेन ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे पास जो है ग्रोथ, जो प्रोडक्टिविटी की है और जो एम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर एक सस्टेन ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हुआ कल नहीं हो रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है सस्टेन ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम ठीक तरीके से हो सके, ये उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू करेक्ट द डिस्टॉर्टनेस एंड वीकनेस दैट हैव क्रेप्ट इन, है ना। तो जो डिस्टॉर्टनेस थी काम में, कि ठीक है आज काम हो रहा है कल नहीं हो रहा है, या फिर जो भी इशूज आ रही थी काम को करने में, उसको किस तरीके से हटाया जा सके, किस तरीके से जो कमजोरियां हैं हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उसको ठीक किया जा सके, है ना। टू अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, देखो अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको काम अच्छे तरीके से करना है, तो आपको जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें आपको लगे रहना पड़ेगा। तो जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस था उसमें एक तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को लाया गया था। सो दीज वेर द ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। द पॉलिसी डी रेगुलेटेड द इंडस्ट्रीज इन अ सब्सटेंशियल मैनर। द मेन फीचर्स ऑफ द पॉलिसीज आर एज फॉलोज। चलिए सबसे पहला जो पॉलिसी का फीचर था वो ये था कि डोमेस्टिक रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। यहाँ पे डोमेस्टिक रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए गए, जहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी उनके काम करने का जो हक था, उनके उस तरह के इंडस्ट्रीज के ऊपर जो काम करता था वो सिर्फ गवर्नमेंट ही करता था। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से लिबरलाइजेशन किया, है ना, प्राइवेटाइजेशन किया, जहां पर गवर्नमेंट ने अपनी चीजों को बेचना स्टार्ट किया, पब्लिक सेक्टर एक तरीके से यूनिट्स बनाए, PSUs बनाए, और प्राइवेट जो कंपनीज थी उनको भी मौका दिया कि आप भी आकर के एक तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाओ। तो उसके कारण से जो हमारा, हमें एक छोटा सा बूम मिला। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 रिड्यूस द नंबर ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज, है ना। जो देखो, जो रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज हैं, टोटल तकरीबन 16 तरह की, 16 नहीं, काफी ज्यादा तरह की इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जिसमें 16 तरह की इंडस्ट्रीज को इंडिया ने रिजर्व कैटेगरी से हटा दिया।
है ना, कि ठीक है इसके ऊपर प्रोडक्ट जो है कोई भी कंपनी बना सकती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कोई भी बना सकता है ना। इंडस्ट्रीज विच कंटिन्यू टू बी रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आर इन एरियाज वेयर द सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स प्रीडिटरमाइंड, है ना। तो ऐसे सेक्टर जहाँ पे यू नो सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न की बात होती थी उसको रिजर्व कर लिया गया कि उसके ऊपर जो भी काम है वो गवर्नमेंट करेगी, उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट बनाएगी, बट उनको छोड़ करके जितने भी सारे बाकी के काम थे उन सब के लिए जो है पब्लिक सेक्टर्स को एक तरीके से खोल दिया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर्स आकर के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके और वो भी यहाँ से प्रॉफिट कमा सके, उसका बेनिफिट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी को भी हो, ठीक है ना। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अब देखो पहले के टाइम पे ना आपको इंडस्ट्री की लाइसेंसिंग करवानी पड़ती थी अगर आपको कोई भी बिजनेस करवाना पड़ता है, अभी भी करवाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं करवाना पड़ता है, लेकिन उस टाइम पे काम जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था और जल्दी किसी को लाइसेंस मिलता भी नहीं था, है ना। अभी जो है लाइसेंस मिलना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द न्यू पॉलिसी हैज अबॉलिश्ड ऑल इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, है ना। जितनी भी तरह की लाइसेंसिंग की पॉलिसी उस टाइम पे हुआ करती थी सबको 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने एक तरीके से अबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा भी हो, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न, सोशल कंसर्न रिलेटेड टू सेफ्टी, ओवरराइडिंग एनवायरमेंटल इश्यूज एंड मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स ऑफ हैजार्डस नेचर। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स थे जहाँ पे जिसका नाम मैंने अभी आपको गिनाया है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है, सोशल कंसर्न से रिलेटेड है, यू नो एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है, उसके ऊपर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट इन जनरल आपको यू नो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो मैंने चीजें गिनाई है, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हैजार्डस नेचर, है ना, स्ट्रेटेजिक कंसर्न, इस तरह की चीजों के लिए आपको जो है लाइसेंसिंग लेना अभी भी जरूरी अनिवार्य है, ठीक ना। तीसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज, है ना। अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फाइनेंस्ड बाय लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो इंडिया में जो भी ट्रेड होता है या फिर जो भी इंडस्ट्री लगाई जाती है उसमें बहुत ज्यादा पैसे जो है बाहर की कंपनीज लगाती हैं, बाहर मतलब इंडियन कंपनीज जो है जो प्राइवेट बैंक्स है वो पैसे यहाँ पे लगाती हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस हैव सो फार फॉलोड अ मैंडेटरी प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग ऑफ कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज इन देयर लीडिंग ऑपरेशंस फॉर द प्रोजेक्ट्स, है ना। तो यहाँ पे देखो जो भी लीडिंग प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे एक तरीके से लेंडिंग का काम जो है ये सारी बैंक जो है करती हैं, बहुत ज्यादा पैसे जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं ताकि काम जो है ठीक तरीके से हो सके विद इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। लेकिन जब 1991 की पॉलिसी आई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल नॉट इम्पोज दिस मैंडेटरी एंड कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज, है ना। तो जब ये हो गया ना तो उसके पास एक तरीके से उनको बोल दिया गया कि आपको यहाँ पे कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, है ना। कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आप फाइनेंसिंग कर रहे हो तो रुपए में कर रहे हो, लेकिन जब आपको पैसे चाहिए तो आपको डॉलर में चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना। यहाँ पे काम करने में भी दिक्कत होगा, पैसे को कन्वर्ट कराने की दिक्कत होगी, तो बहुत सारी इश्यूज यहाँ पे आती हैं। तो जब 1991 का जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोला गया कि आप किसी भी तरह का यू नो एक तरीके से आप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते मैंडेटरली कि आपको कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज को फॉलो करना होगा, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है रिमूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंट्रोल्स ऑफ लार्ज बिजनेस हाउसेस, है ना। तो सिंस द इनएक्टमेंट ऑफ एमआरटीपी एक्ट, जिसे हम मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को कहते थे जो कि 1969 में बना था, ऑल फर्म्स विद एसेट्स अबव अ सर्टेन साइज वेर क्लासिफाइड एज एमआरटीपी फर्म्स। तो एक सर्टेन अमाउंट था, उस अमाउंट के ऊपर जिसके भी यू नो प्रॉपर्टीज हुआ करती थी उससे ज्यादा उनको एमआरटीपी फर्म्स बोला जाता था, क्योंकि वो एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करती थी, मोनोपोली के अंडर में आ जाती थी, ठीक है ना। दिस एसेट्स limit has been applied to the sum of the assets of firms in interconnected through equity shares for management control. Such firms were permitted to enter selected industries only, and that is on case by case approval basis. In the new industrial policy, the clause has been removed. तो पहले के टाइम पे देखो क्या बोला जा रहा है, पहले के टाइम पे था MRTP Act, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, जहाँ पे बहुत सारी firms को ना एक बता दिया गया था कि आप अगर इसके ऊपर अगर आपका income होगा, turnover होगा, suppose 25 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर अगर आपका income होगा तो आपको हम MRTP firms में डाल देंगे, Monopolies and Restrictive Trade Practices में डाल देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक तरीके से इनके ऊपर एक तरीके से बोल सकते हो आप अत्याचार कर रखा था कि उन लोग जो है इसको एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत डाल देते थे। लेकिन 1991 की जब पॉलिसी आई तो इस चीज को पूरी तरह से हटा दिया गया, जहां पे कंपनी को मौका मिला कि वो अपने कंपनीज को अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको और बड़ा कर सके, है ना। तो जब वो एमआरटीपी फर्म्स में चले आते थे तो उनकी जो एसेट्स होते थे ना उसको लिमिट कर दिए जाते थे, उसको रोक दिए जाते थे कि जो भी आपका मैनेजमेंट कंट्रोल है वो उसी हद तक होगा जितना कि आपका इक्विटी शेयर है, जितना कि आपका एक तरीके से एसेट होगा,
है ना, आप उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हो। लेकिन जब ये एक्ट आया 1991 का इंडस्ट्रियल एक्ट, तो इस क्लॉज को जो है हटा दिया गया ताकि बिजनेस जो है ठीक तरीके से काम कर सके, है ना। पांचवा पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या होता है, एज सच विद इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज ऑल्सो बीन ट्रेडिशनली रेगुलेटेड टाइटली इन इंडिया, है ना। तो जिस तरीके से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से रेगुलेट किया जाता था, उसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इंडिया में बहुत ही टाइटली, बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जाता था। नाउ इन द केस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक परमिशन विल बी अवेलेबल फॉर फॉरेन कंपनीज अप टू 51% इन द हाई हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। तो जो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज होंगी, गवर्नमेंट ने 1991 में अनाउंस किया कि अब आप लोग 51% तक हिस्सेदारी जो है आप खरीद सकते हैं वो सारी इंडस्ट्रीज में जो कि हाई प्रायोरिटी है। बाहर की कंपनीज को, फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया कि आप इंडिया में आकर के 51% तक का इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आकर के आप कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सो फार हैज आल्सो जनरली डिस्करेज फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स इन सर्विसेज एरियाज एक्सेप्ट फॉर होटल। तो ये एक तरीके से सही नहीं भी था, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जिस तरीके की बनाएगी उसके लिए लोगों को जो है, लोग डिस्करेज हुए कि जो पैसे उन्होंने फॉरेन में इक्विटी होल्डिंग्स में लगा करके रखे थे, होटल्स को छोड़ करके सर्विसेज एरिया में, वहां पर उनको लगा कि जब इंडिया में इतना अच्छा मौका है तो फिर हम बाहर में पैसे क्यों लगाए। तो वो लोग जो है डिस्करेज हो गए और अपने जो पैसे थे वो लोग बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करने लगे, है ना। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इनवाइट फॉरेन इक्विटी होल्डिंग अप टू 51% बाय इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनीज आल्सो, है ना। तो 51% तक का हिस्सा उनको भी दिया गया, उनको भी अलाउ किया गया कि आप ले सकते हो, जो कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनीज थी, जो कि ट्रेड किया करती थी, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो ट्रेड करती हैं उनको भी अलाउ किया गया कि आप 51% तक का जो हिस्सा है आप हमारे इंडिया में आकर के कंपनीज में खरीद सकते हैं। इन एडिशन टू होटल्स, होटल्स को छोड़ करके नाउ 51% इक्विटी विल ऑल्सो बी अलाउड इन द टूरिस्ट रिलेटेड एरियाज, है ना। तो होटल्स के अलावा होटल्स में तो थी ही, उसके अलावा भी 51% इक्विटी आप खरीद सकते थे उन सारे एरियाज में जो कि टूरिस्ट चीजों से रिलेटेड है, जो कि टूरिस्ट से रिलेटेड है, वहां पे भी आप 51% की इक्विटी जो है खरीद सकते थे। ये अलाउ किया गया फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से जनरेट करने के लिए, है ना। तो ये हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 थी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।